बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मियां सदी अब्बास योका एडवोकेट। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैरियत से होंगे। आज मैं आपको लॉ के फील्ड में कामयाब होने के लिए, इस प्रोफेशन में अपने आप को सर फहरिस्त बनाने के लिए, इस प्रोफेशन में टॉप पर जाने के लिए 8 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ लॉ एक्सपर्ट्स ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। यानी कि एडवोकेट जो उनकी 40 साल, 50 साल, 30 साल एज ए एडवोकेट कैरियर का जो निचोड़ है वो इन 8 रूल्स पर डिपेंड करता है। अगर वो कहते हैं कि अगर इन 8 रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो एक दिन आप भी टॉप लॉयर्स में से एक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल आता है वो है कम्युनिकेट वेल। जी, कम्युनिकेट वेल यानी कि आप की जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, और टूवर्ड्स दी कोर्ट वो बेहतरीन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन में वो एक अलग बात है कि जो एक वकील होता है उसके पास राइटिंग स्किल्स भी होती हैं और फनी तकरीर भी होती है, वो कैसे ख़िताब करता है, बात कैसे करता है वो बखूबी जानता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी कम्युनिकेशन एक अच्छी हो। कम्युनिकेशन में आप अम्बिगुअस वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ मत करें कि जो अगले बंदे की समझ में ना आ रही हो। ठीक है, और स्पीक और राइट, बोलें और लिखें उतना जिसमें अगर वो थोड़ा सा भी है, क्योंकि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, अगर वो थोड़ा सा भी है तो अगले को जो आपका अनदर पर्सन है जिसको आप टॉक कर रहे हैं उसको समझ आना चाहिए। रीड अलॉट, क्योंकि रीडिंग इज़ द बेसिस फॉर गुड स्पीच एंड गुड राइटिंग। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको लिखना नहीं आएगा, ये बात हमेशा जहन में बिठा लें। रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, पढ़ेंगे नहीं तो लिखना कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद से लिखना सेल्फ राइटिंग इसमें बहुत होती है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास वोकैबलरी आएगी, जब आपके पास वोकैबलरी आएगी देन यू कैन स्पीक, देन यू कैन कम्युनिकेट वेल। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ एडवोकेसी इज टू कम्युनिकेट वेल, वेट एवर टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट आर टू कोर्ट। सेकंड जो रूल है वो है प्लान, बिकॉज किसी भी गोल के लिए, किसी भी काम के लिए जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है, वो एसेंशियल होता है। क्योंकि कोई भी सफ़र आप स्टार्ट करते हैं तो आपका एक गोल होता है कि मैंने फला मंजिल पर पहुंचना है। ठीक है, तो जब वकील एक सुबह घर से निकलता है तो उसकी जो उसका प्लान होता है कि भाई मैंने कोर्ट में जाना है। ठीक है, और अपनी प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ साथ किसी लीगल डिपार्टमेंट को, किसी अच्छे वकील को ज्वाइन करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं। ठीक है, शेड्यूल आपके रूटीन लाइफ, रूटीन वर्क, ऑफिस का रूटीन वर्क बनाएं, अपना एक मैप बनाएं, रास्ता कि मैंने इन बुक्स के ज़रिए, इस रीडिंग मटेरियल के ज़रिए, इन कोर्स के ज़रिए, इनके साथ कम्युनिकेट करने के ज़रिए मैंने इस टॉप पर जाना है, इस गोल पर जाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, ये प्लान नहीं करेंगे कि मैं एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, आप कभी अच्छा वकील नहीं बन सकते। और तीसरा, वर्कआउट द स्पीच, प्लान द स्ट्रेटजी। वर्कआउट द स्पीच क्या है कि बोलें, जितना हो सकता है उतना बोलें। ठीक है, आइडलाइज द निगोशिएशन, जो बातचीत, जो लीगल निगोशिएशन हो रही है उसको गौर से सुने। वो लीगल निगोशिएशन आपके सीनियर की क्लाइंट के साथ है, वो लीगल निगोशिएशन आपके किसी सीनियर एडवोकेट की किसी जस्टिस के साथ है, किसी मैजिस्ट्रेट के साथ है, किसी सेशन जज के साथ है। ठीक है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके सुने। जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो कॉन्कर एंड रिटेन योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट पर फतेह पाना।
फतेह पाने के लिए आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। सो मेक गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ अच्छा है, आपको उसका माइंड का पता है, आप ऐसे वो फिर अगर कोई मुश्किल आती भी है तो आप उसको अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से उसको टैकल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आप काबिल हों कि जो आपका क्लाइंट आपके पास आया है उसको अच्छी गाइडलाइन देकर उसको मुतमिन कर सके, क्योंकि अपने क्लाइंट का जो भरोसा है वो आपने जीतना है। जितनी लॉयलिटी आपका क्लाइंट आपके साथ दिखाएगा, आपकी वकालत उतनी ही ज़्यादा ऊपर आएगी, उतने ही अच्छे आप वकील बन सकेंगे। सो बिल्ड कस्टमर लॉयलिटी, क्लाइंट की वफादारी भी बहुत अहम की बहुत अहमियत है। सो एक्सपेंड योर क्लाइंट पोर्टफोलियो, जितना नेटवर्क वसी अपना होता है आप करें। एक आपके क्लाइंट आपके पास हो, वो कहे कि जी आपके पास फलां बंदा आया था, उसका काम आपने किया है, तो मैं उसके रेफरेंस से उसने मुझे बताया कि मैं आपके पास आया। सो अगर आप एक का काम करेंगे तो वो फिर साहब सबको बताएगा कि भाई आप इनके पास जाएं, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो कम्युनिकेट वेल करते हैं, तो फिर देन बात बनेगी। फोर्थ जो रूल है, बी पेशेंट, नो हाउ टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। उस लम्हे का इंतज़ार करें, सही वक्त का इंतज़ार करें और सब्र रखें। सब्र जब एविडेंस हो रही होती है ना, उस वक्त सब्र करें। सब्र से, लगन से, मेहनत से और बिल्कुल यकसुई के साथ अगले की बात सुने, बात में से फिर बात निकालें, क्योंकि पेशेंट आपने अपनी वकालत में भी रखना है, क्लाइंट्स के साथ भी पेशेंट रखना है, कोर्ट्स के साथ भी पेशेंट रखना है, अपने केस पर भी पेशेंट्स रखना है, अपने केस की तैयारी में भी पेशेंट्स रखना है, क्योंकि अगर आपका जितना अच्छा ब्रीफ होगा आप उतने अच्छे लॉयर्स बनेंगे। क्योंकि अपने बिहाफ पर कभी भी कोई चीज़ ना आने दें, ठीक है। अपना अच्छा ब्रीफ तैयार करें, चाहे वो छोटा सा छोटा दावा हो, छोटी से छोटी बेल हो, आप अच्छे से तय, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ उसको तैयार करें, क्योंकि आपकी तैयारी कोर्ट को आपके साथ मुतासर करेगी, आपके क्लाइंट को आपसे मुतासर करेगी। क्योंकि एक कोटेशन है यंग लॉयर्स को किसी ने नसीहत की कि डोंट गिव अप अहेड ऑफ टाइम एंड डोंट सिंग विक्ट्री अहेड ऑफ टाइम। वक्त से पहले तर्क मत करो, ठीक है, वक्त का इंतज़ार करो, वक्त से पहले मैं यूज़ नहीं होना। और अगर आपको फतह मिलती है तो वक्त से पहले उसकी फतह नहीं मनानी। अगर आप केस जीतते हैं तब भी मुश्किल मिजाजी के साथ उसका सामना करें, हारते हैं तब भी मुश्किल मिजाजी के साथ अपना मुजाहरा करें। होल्ड ऑन एंग्जाइटी, जो आपके पास वो तजस्स एंग्जाइटी आती है उस पर होल्ड रखें, और डोंट बी इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम विल प्ले इन योर फेवर। आगे जो फिफ्थ है, बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एज यू नो, इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज, और हमारे पाकिस्तान में इवन के इन एवरी कंट्री मोस्ट ऑफ द लॉज, बिकॉज एवरी लॉ इज़ रिटन इन इंग्लिश, वेदर आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू बट आवर ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंग्लिश। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ साइंड बाय द पार्टीज, एवरी ऑर्डर विच इज़ पार्ट बाय कोर्ट, एवरी लॉ मेड जजमेंट विच इज़ पास बाय जस्टिस, एवरी स्टैचू, एवरी कोर्ट, एवरी कोड ऑफ कंडक्ट, एवरी लॉ इज़ इन इंग्लिश। सो बी फ्लुएंट इन योर इंग्लिश। इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, अपनी लॉ की बुक्स पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जितना आप इसके साथ इन होंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। सो इंग्लिश भी इब्राहिम लिंकन ने कहा कि इफ़ आई हैड 9 hours टू कट अ ट्री आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 6 शार्पनिंग दैट्स, कि अगर मेरे पास
9 घंटे हूँ एक दरख्त को काटने के लिए, तो मैं 6 घंटे सिर्फ अपने कुल्हाड़े के धार को तेज़ करूँगा सिर्फ, और 3 घंटे में दरख्त काटने के लिए रखूँगा। सो जो आपके 9 घंटे हैं उसमें से 6 घंटे आप अपनी इंग्लिश को दें, अपनी स्टडी को दें, अपनी रीडिंग को दें, और बाकी 3 घंटे बाकी एडवोकेसी है। क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो फिर तो आप वकील बनने का सोचे भी ना। ठीक है, आगे जो 6th है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉयर, मुश्किलों को हल करने वाला वकील बने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, जो मर्जी कर लें क्लाइंट नहीं आएगा। क्लाइंट को इतना एतमाद हो कि मैं इस वकील से रابطہ कर रहा हूँ, ये मेरी मुश्किल को आसान करेगा, ये मुझे रिलीफ लेकर देगा। ठीक है, सो उसके वाले से आपके आप उस वक्त रिलीफ दे सक दिलवा सकते हैं अपने क्लाइंट को जब आपको कोर्ट का पता हो, आपको लॉ का पता हो। वेयर इज़ लॉ, व्हाट इज़ लॉ, नहीं वेयर इज़ लॉ। मेरे सीनियर फरमाते हैं, मोहतरम हाफिज गुलाम शबीर साहब, वो कहते हैं कि बेटा व्हाट इज़ लॉ नहीं, वेयर इज़ लॉ, कानून क्या है ये कभी नहीं कहना। कानून कहाँ है, कानून को ढूंढ कर वो पढ़ोगे। जब तक आप लॉ को पढ़ोगे नहीं, लॉ को रीड नहीं करोगे, लॉ के वाले से आप अपने क्लाइंट की परेशानी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकोगे। सो रीड enacted laws, your basic laws, आगे specialize in expanding areas, इसका माना है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में एक ऐसे practicing lawyer की कमी हो, यानी कि अगर एक district में tax law expert नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप एक tax expert बने। banking advocate नहीं तो आप बैंकिंग एडवोकेट बने, क्रिमिनल नहीं तो आप क्रिमिनल, ये कोशिश करें। ठीक है, ये आपकी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जब आपके पास वो एक अलहदा फील्ड होगी प्रोफेशनलिज्म, जैसे डॉक्टर में इन द फील्ड ऑफ मेडिकल है कि डेंटिस्ट अलहदा है और बाकी स्पेशलिस्ट हर वाले से कार्डिक अलहदा है, इस वाले से आप एडवोकेसी में भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो आप इलाके के हवाले से अपने इलाके को मद्देनज़र रखते हुए अपने फील्ड को चूज़ करें, एडवोकेसी में अपने फील्ड को चूज़ करें। ठीक है, और लास्ट रूल, स्टडी स्टडी एंड स्टडी, नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट्स डीपली एंड इंटेंसिवली। स्टडी स्टडी और स्टडी, स्टडी के बगैर अगर कोई ये आपसे कहे कि मैं स्टडी के बगैर वकील बन गया तो ये झूठ है। ये आपको पता नहीं है कि ये जो आज हमारे सीनियर बने हुए हैं, इन्होंने कितने कितने घंटे पढ़ाई की है, इन्होंने रात को कितनी कितनी देर तक जाग कर पढ़ाई की है, इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी आप मेहनत आपको नज़र नहीं आ रही। आपको सिर्फ ये एक आपके पास माइंड में सिर्फ ये है कि इनके पास इतने केसेस हैं, भाई वो कहाँ से आए। वो भी जब इस फील्ड में आए तो उनके पास एक ब्रीफ भी नहीं था, उनको भी बोलने का नहीं पता था, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने स्टडी की। जितनी स्टडी आप करेंगे, आप स्टडी करें, सब रूल इसमें हैं, जितनी स्टडी हो सकती है उतनी करें। ये गोल्डन रूल्स 8 रूल्स हैं जिन पर आप अमल करके एक अच्छे लॉ एक्सपर्ट, एक गुड एडवोकेट बन सकते हैं, रिनाउंड फेमस लॉयर बन सकते हैं। अपने दोस्त मियां सदी वास्तव का एडवोकेट को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और ये वीडियो का लिंक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।